तुम लोग यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैं तो थाने आ रहा था हुजूम के सामने तकरीर करने के लिए, ताकि थाना चलान का मंजर मैं अपनी आंखों से देख सकूं। सही, हमने तो सारा खेल बना लिया था, अपने साथ तेल के डब्बे भी छुपा के लेके गए थे, मगर सही ऐन वक्त पर कमाले और उसकी बेटी ने वहां आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। खेल बिगाड़ दिया, मगर कैसे? जीवन का बाप और उसकी बेटी ने खुद वहां पे खड़े होकर पुलिस के हक में गवाही दी साईं जी, और उसकी बहन बोलती है कि जीवन की मौत में पुलिस का कोई हाथ नहीं। गलत! जीवन की बहन ने खुद कहा है? जी साईं जी, और उसके बाप की गवाही के बाद सारा हजूम खुद ही बिखर गया और हमें अपने कारगुजारी दिखाने का मौका ही नहीं मिला। ये पुलिस वाला फिर बच गया है, मगर मास्टर कमाले और उसकी दी ने पुलिस के हक में गवाही क्यों दी? पता नहीं साईं जी, हम खुद बहुत हैरान हैं। लगता है इसकी बहन को असल मामला पता चल गया, वरना ये वही ससुर है जो कुछ दिन पहले इसी पुलिस वाले को अपने ही घर में बेइज्जती खराब कर दी थी, जब वो जीवन का पुरसा देने इसके घर गया था साईं जी। वो पुलिस वाला जीवन का पुरसा देने उसके घर गया था? जी सही, इस बात का तो सारा इलाका गवाह है। चल टिटे, अंदर मीटिंग चल रही है साहब। साहब का हुक्म है कि अंदर कोई मुंह खेल ना हो। है जी? जी सर। अच्छा, कब तक चलेगी जी मीटिंग आपके साहब की? पता नहीं सर, भारी इंतजार करता हूं। मीटिंग चल रही है। उस दिन दरअसल मैं आप लोगों को यही बताने आया था, जीवन को आखिरी दफा मीरल के खास आदमी असलम के साथ गाड़ी में जाते देखा गया। बस्ती वालों ने बताया कि मतलब जीवन को वहां पहुंचाने में असलम का हाथ था, और उस रात फरार होने वालों में असलम भी शामिल था। जी एसपी साहब, अफसोस ये हकीकत पता चलने में हमें कुछ देर हो गई। मैं आपसे उस दिन के सलूक पे माजरत करने आ रहा था। नहीं नहीं मास्टर साहब, माजरत की कोई बात नहीं। मुझे एहसास है कि आप लोगों का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, लेकिन एक बात का यकीन दिलाता हूं आपको, जीवन को इस राह पर चलाने वाले लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये मेरी धी ससी, ये भी आपसे कुछ कहना चाह रही है साईं। बोलो ससी, क्या बात है? मैं उस दिन के लिए माजरत करना चाहती हूँ। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की थी, जिस बात में होश खो दिए थे मैंने, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक पुलिस ऑफिसर को अपनी जिंदगी में न जाने कितनी तलख बातें सुनने को मिली। खैर ये बताओ कि जॉब ज्वाइन कर रही हो प्राइमरी टीचर वाली? वो भी आप ही का एहसान है, इस मेहरबानी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, वरना जो कुछ उस रोज हुआ, आपकी जगह कोई और होता तो इतने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा ना करता। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अब्बा से वादा किया था पूरा करना मेरा फर्ज।
अच्छी बात तो यह है कि अब इस कस्बे के बच्चे स्कूल आ जाया करेंगे। इनफैक्ट मेरी पूरी कोशिश है कि बाकी स्टाफ भी जल्दी ज्वाइन करें। ठीक है, इंशाल्लाह। क्या आप बकरे हो धनी बख्श, इतना बड़ा हजूम वापस कैसे लौट गया? तू क्यों नहीं डाला उन्होंने थाने को? सारी जिंद सारी बहार सरकार, मैं तो खुद हैरान हूँ ये सारा कुछ देख के। कमाल ये है और उसकी धी ने सारा मामला ऐसे पलट दिया। हमारे बंदों को मौका ही नहीं मिला ना कि कुछ गुस्सम गुस्सा करते, कुछ दंगा फसाद करते। से और उसकी बेटी को क्या जरूरत है पुलिस के हाथ में बात करने की? सरकार, ये तो वो कम वक्त कमा लिया ही बता सकता है, मगर हमारा तो सारा बना बनाया प्रोग्राम चौपट कर दिया ना। तो जाओ पता करो किसने कान भरे हैं उसके, और सुनो उसे खबरदार कर देना कि आइंदा मेरे पास कोई फरियाद लेकर ना आए। चंगा सर, चंगा। ठीक है जनाब, हमें इजाजत दें। मैं एक कमजोर और लाचार बाप हूं जो आपको सिवाय दुआ के और कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास और कुछ भी नहीं है आपके मर्तबे के काबिल। नहीं नहीं मां साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। बस ये जान लीजिए कि मेरे दफ्तर के दरवाजे आप और आप जैसे मजलूमों के लिए हमेशा खुले। बस एक एहसान कीजिए कि अपने इलाके की पुलिस पर यकीन रखिए। आप लोगों का यकीन, आपका एतमाद ही हमारी ताकत बनता है। शुक्रिया, जीते रहो। एक बहुत जरूरी पैगाम है, पढ़ लीजिएगा। मास्टर जी, सब खैर है? मीटिंग काफी लंबी थी गई है। जी जी थानेदार साहब, सब खैर है। बड़े साहब कुछ मालूमात लेना चाह रहे थे। केड़ी मालूमात? यही के जीवन का उठना बैठना किन लोगों के साथ था, उसके यार बेली कौन कौन थे। वाह, चलो देर हो रही है। अच्छा थानेदार जी, रब रखा। नमाज से बाकी गल भी तो सुनो। फिरल साई को पता लगेगा आप और आपकी बेटी इधर आए, अच्छा नहीं लगेगा। पहले मशवरा कर लेना। मुझे शक है कि तुम सरकार की नौकरी करते हो
या जागीरदार की, थानेदार हो या वडेरे के पहरेदार। ससी चल यहां से, कितनी बार मना किया है कि बड़ों की बातों में मत बोला कर, चल। वाह भाई वाह, एक ही मुलाकात इतना असर। जवान है तुम बड़ो बत्तियां वे मार संग लाना। हाजिर हो सकता हूं सर। बोलो जनाब। वो मैं ये कहने आया था जनाब के वो मौके पर बाप बेटी ने आके बड़ा अच्छा काम किया जी, पूरा मामला संभाल लिया, वरना बड़ा साद और बुला हो सकता था जनाब। सही कह रहे हो जाना, लेकिन फसाद तो आगे जाकर भी हो सकता है अगर हम सही मुजरिम तक ना पहुंचे। नहीं, मुझे मीरल का खास आदमी असलम चाहिए जाना। हर हाल मैं कोशिश कर रहा हूं जनाब, लेकिन वो इलाके में नहीं है। तो कहां गया? हाँ, जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसे? कैसे थानेदार हो तुम? एक SHO को तो उसके इलाके के कब्रिस्तान में दफन मुर्दों के बारे में भी पता होता है। तुमसे एक लड़का नहीं ढूंढा जा रहा? सर वो कोशिश की है मैंने, मैं देखता हूं सर का। और हाँ सर, ये भी हो सकता है कि उसका सारे मामले से ताल्लुक ही ना हो। मैंने जो तफ्तीश की है ना जनाब, उसके दोस्त यार रिश्तेदार वो सब ने ये बताया कि वो तो बकुए से पहले ही इलाका छोड़ के चला गया था। अड़तालीस घंटे हैं तुम्हारे पास ज्यादा। अगर 48 घंटे में तुमने असलम को मेरे सामने पेश ना किया जाता तो मुझे मजबूरन होम डिपार्टमेंट से कहकर मीरल की हवेली के सर्च वारंट लेने पड़े। तलाशी होगी और सबसे आगे होगे तुम। क्या करें, मजबूरी है। अब अगर पूरे इलाके में नहीं मिल रहा तो हवेली में छुपा होगा। तैयारी कर लो तो।
सिंह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह सिंह चांद सा बेटा देवे, अल्लाह सिंह जोड़ी को वारिस देवे, अल्लाह सिंह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह सिंह जोड़ी को वारिस देवे। ये जो पीरल साईं के चेहरे पर फूटती हुई खुशी देख रही हो ना, ये हवेली के नए वारिस की दुआ मिलने की खुशी है। दुआ वही है, दुआ वाली बदल गई है। सब देख रही हूँ सरदारी बेगम, लगता है तुम्हारा भी भरम टूटने का वक्त करीब आ गया है। बड़ा नाज था ना तुम्हें हवेली की विरासत पर कब्जा करने का। लो, अब आ गई तुम्हारी शराकत आर भी। अगर ये नूरी कुछ अरसा है इस हवेली में टिकी रही तो हम दोनों के पास फखर करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। बेहतर यही है कि इसको हवेली से निकालने के लिए कोई तरकीब निकालो, वरना ये हमें बाहर निकाल देगी। मर गए जुलेखा को हवेली से बाहर करने वाली। ठीक है, तो नूरी के जनाजे की तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरह छुपा कर आपको रुक्का देने के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने अब्बा के सामने खुलकर ये बात नहीं कर सकती थी। मेरे मासूम भाई की मौत ने हमसे हमारी खुशी छीन ली है, और अब मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ जीवन की मौत का बदला लेना है। लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ और मेरा बूढ़ा मासूर बाप बहुत लाचार है। हम दो बाप बेटी इन जोर आवरों का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते, जिन्होंने एक मासूम नौजवान को इस घिनौने जुर्म के रास्ते पर डाला था। मेरी वाहिद वाहिद उम्मीद अब बस आप हैं। क्या आप हमारा साथ देंगे? कहीं आप भी तो इस जुल्म के निजाम के आगे हार नहीं मान लेंगे? अगर ऐसा है तो मुझे अभी बता दें, ताकि मैं अपने दिल में कोई झूठी उम्मीद और आसरा ना बांधूं। जीवन को मीरल ने अपने यहाँ नौकरी पर रखा था, और उसी के कारिंदे उस शाम ही जीवन को अपने साथ लेकर गए थे। उसके अलावा आपको एक और ज़रूरी बात भी बतानी है, अपनी सहेली नूरी के बारे में। हो सके तो किसी वक्त मेरे घर या स्कूल का फेरा डालिएगा, तफ्तीश के दौरान मैं आपकी मुंतजर रहूंगी। और एक और दरख्वास्त भी है आपसे कि मेरे अब्बा को इस रुके के बारे में कुछ ना बताइएगा। आपके एहसानों में ये एक और एहसान का इजाफा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। जीवन का केस खोलकर आपने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं झोंक सयाल में, मगर मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। सस्सी। बरकते को भेजा था शोरकोट, शौकत इकबाल के पास नहीं पहुंचा और ना ही वो मुल्तान पहुंचा अपने घर वालों के पास।
बल्कि उसका बाप तो उसको ढूंढता ढूंढता झोंक सियाल तक आ पहुंचा था। इस दो टके के पुलिस ऑफिसर की इतनी जरूरत? बाबा साहब मैं बता रहा हूं, अगर ये हवेली की तलाशी के लिए है तो मैं इसे जिंदा गाड़ दूंगा। पर तलाशी तो दूर, अगर इसने आग उठाकर भी देखी ना तो वो यहां की निकाल कर कुत्तों को डाल। ए चल मेरे साथ, आज ये एसपी गया। आ गुगाई चल। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ तो पीरल की दहलीज पार करने का सोच भी सके। बाबा साईं, इस बार मुझसे सब्र नहीं होगा, वो सारी हदें पार कर चुका है। वो हमें भड़काना चाह रहा और तू भड़क कर उसका मकसद पूरा कर रहा है। बैठ जा। होम डिपार्टमेंट से हवेली के सर्च वारंट नहीं, उससे एसपी के तबादले या मौतली के ऑर्डर आएंगे। अगर उसने ऐसी कोई भी हमाकत की। लेकिन बाबा साहब, अपने हमले के सामने इस तरह की बात करने की जरूरत कैसे कर सकता है? इसका मौका भी तूने उसे दिया। मैंने? हाँ तूने, ना तो असलम को उस फजूल काम में लगाता, ना वो उस रात जीवन को लेकर साथ वहां जाता और ना वो पुलिस की नजरों में आता। अब ये अफसर जब तक असलम से तफ्तीश नहीं कर लेगा ना, उस चैन से नहीं बैठेगा। बाबा साईं, असलम उसके हत्थे नहीं चढ़ेगा। कब तक छुपा के रखोगे उसे? अगर ये पुलिस वाला कहीं चला भी गया तो केस तो बहरहाल जिंदा रहेगा। कल कलां को कोई इससे ज्यादा खरदमा अफसर आ गया तो फिर क्या करोगे? ऊपर वाले कब तक मेरे लिए पुलिस अफसरों को इधर से उधर करते रहेंगे? ये पुलिस वाले अगर किसी मामले के पीछे पड़ जाएं, तो जब तक बाल की खाल ना उतार लें चैन से नहीं बैठते। तो फिर आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? असलम को ठिकाने लगा दो। बाबा साईं, असलम हवेली का पुराना वफादार है। जानता हूं, लेकिन वफादारी खून का खिराज भी मांगती है। समझ, असलम का वफादारी साबित करने का वक्त आ गया। बाबा साईं, thank you.
सलाम उस्तानी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये स्कूल खुल गया है? हाँ हाँ खुल गया है, आ जाओ। मगर बच्चे कहाँ हैं? बच्चे भी आ जाएंगे जैसे तुम आ गई हो। आओ बैठो ना। अच्छा तो बच्चों, मैं हूँ आपकी नई उस्तानी सस्सी। आज से हम आपके नए सबक का आगाज करेंगे जिसका नाम है हम। जानते हो हम किसे कहते हैं? अल्लाह की बड़ाई और तारीफ बयान करने को। शाबाश, तो आओ पहले सबक का आगाज करते हैं। उस रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गायें बनाई। उस रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गायें बनाई। ओ सर। ओहो, वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी बे क्या हाल है? ठीक है। वालो जी सर। बेसब खैर है? ठीक है। और हराम खोर तक कुछ शर्म नहीं आई? इतनी बड़ी वारदात बकरी चोरी दी, वो भी जानदार ने लाके। तू के समझा है? तफ्तीश बच वैसे सर, गलती सी, माफी दो, पर्चा वापस कर। हाँ माफी जी सर। बाबा सौरा ने खर्चा थी सी, मोड़ पर्चा वापस थी सी। जो सरकार थी मर्जी सी, खर्चा जो सी सी देस। शरीफ जी सरकार। मल गेनवा जी को और जनाब एएसपी साहब आपको याद कर रहे हैं। सारा मुंह खड़ा हो गया। आम सफाई से हो जाना चाहिए धनी बख्श, पुलिस को पीछे कोई सुराग ना मिले। सारी जिंद सारी बहार सरकार, मगर असलम के कत्ल से तो पुलिस और ज्यादा शक में नहीं पड़ जाएगी। पढ़ने तो अच्छा है, रुलने तो सहराव में सबूत की तलाश में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन सरकार, मतलब कि असलम मीरल साईं का खासम खास बंदा है, मीरल साईं इतनी आसानी से तो खोता है मीरल। उसकी बेवकूफियों की वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ा। मामला अगर सिर्फ जीवन की मौत का होता तो मैं खुद असलम को पकड़ा कर पुलिस के हवाले कर देता, चार दिन में जमानत हो जाती और सारा इल्जाम भी वो अपने सर ले लेता। हाँ तो सरकार इसमें मसला क्या है? बुड्ढा हो गया तो
बुढ़ा धनी बख्श। असलम सिर्फ जीवन के मामले में मुलव्वस नहीं है, मीरल की हर उल्टी सीधी हरकत का गवाह है वो। इस हवेली का हर राज है उसके सीने में। तुम क्या समझते हो मैं इस इलाके को नहीं जानता? थोड़ा ध्यान बट गया मेरा, पर आज भी झोंक सियाल के सहरा में गिरी हुई रेत का एक एक जर्रा गिन सकता हूं मैं यहां बैठे बैठे। सारी जिंद सारी बहार सरकार, इस बात से तो सारा इलाका वाकिफ है कि आपकी नजर सात दीवारों और सात पर्दों के पीछे भी सब साफ साफ देख सकती है। असलम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए, इसीलिए कहता हूं जल्दी करो। जो हुक्म सरकार, हो जाएगा काम। कहां तक पहुंचे हो तुम असलम की तफ्तीश में? जनाब तलाश जारी है इलाके के अंदर और इलाके के बाहर, जवान गश्त पर हैं। आप बेफिक्र हैं, जल्द गिरफ्तार होगा जी। और मैंने खुद तफ्तीश की है जनाब, वकूह वाली रात के दूसरे दिन लारी अड्डे पर देखा गया उसे। वो जंगीरपुरा वाली लारी में बैठा था जनाब। गुड। यस। इसका मतलब है कि वो जहांगीरपुरे वाली बस में सवार हुआ है। अगर तुम्हारे पास है कोई खबर ऐसी? जनाब असलम जहांगीरपुरे वाली बस में सवार तो जरूर हुआ था, मगर उसका गांव वहां से 17 मील आगे, वो वहां से अपने गांव जरूर गया होगा। मगर जनाब ठीक है, मैं फिलहाल किसी काम से जा रहा हूं, मैं जैसे ही वापस आऊंगा तुम लोग तैयारी पकड़ो, हम आज ही छापा मारकर गिरफ्तार करेंगे इसलिए। सर तैयार है ना? यकीन था आप जरूर आएंगे। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, बच्चे भी निकला है? उन्होंने अपनी स्थानी को तन्हा नहीं छोड़ा। अच्छी बात, कोई जरूरी बात करनी थी तुमने मुझसे? जी अपनी सहेली नूरी के मंगेतर शौकत के बारे में बहुत जरूरी बात करनी थी। शौकत?